दोस्तों हमारा डिश एंटीना का एलएमबी खराब हो जाता है, और एलएमबी खराब है कैसे पता करें, एलएमबी खराब है कैसे सही करें। यानी दोस्तों आज मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा जिस तरह से दोस्तों आपका एलएमबी कभी खराब नहीं होगा और खराब एलएमबी को दोस्तों आप सही कर सकते हैं। ये जो यहाँ टूल्स मैं लेके आया हूँ एलएमबी सही करने के टूल्स है, तो इनके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन जब हमारा एलएमबी ख़राब क्यों हो जाता है वो पहले देख लीजिए, और उसको जो सही करेंगे वो तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। हमारा जो नया एलएमबी होता है इस तरह का एलएमबी होता है, उस पर कैप वगैरह प्रॉपर तरीके से सही होती है। ये देखिए, ये टाटा स्काई का एलएमबी है, ये सार्क का एलएमबी है। ये एलएमबी बहुत अच्छे एलएमबी आते हैं। एलएमबी कैसे ख़राब होता है, काफ़ी टाइम बाद में धूप में बारिश में हमारा ये जो कैप होता है ये गल जाता है, गलने के बाद में टूट जाता है। ये देखिए मैं आपको बताऊं इस तरह से ये टूट जाता है। हमारा एलएमबी टूट चुका है, कैप ख़राब हो चुकी है, हमने ध्यान नहीं दिया तो चल रहा, चलने देते हैं। एंड में दोस्तों चलते 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 हमारा एलएमबी की कंडीशन इस तरह से हो जाती है। अब धीरे धीरे वीक सिग्नल आने लगता है और एलएमबी पे नो सिग्नल आने लगता है। डिश एंटीना पे बॉक्स में नो सिग्नल, टीवी पे नो सिग्नल आता है, तो समझते हैं हम छतरी ख़राब हो गई। दोस्तों ये एलएमबी आप देख रहे हैं, इस एलएमबी के जो कवर टूटने के बाद में भी दोस्तों ये एलएमबी चल रही है। ये एलएमबी कैसे चल रही है, दोनों एलएमबी आप गौर करके देखना कि जब हमारा एलएमबी टूट जाता है तो एलएमबी कैसे काम करता रहता है, फिर बंद कैसे हो जाता है। तो ये देखिए दोस्तों, ये एलएमबी का कवर टूटे तो ये देखिए दोस्तों, एलएमबी का जब कवर टूटता है तो हमारा एलएमबी अंदर से बिल्कुल नया होता है। नया होता है तो बारिश आती है, पानी जाता है, तो ये जो अंदर की रोड होती है ये अंदर की रोड जंग खाने लग जाती है। ये देखिए इस वीडियो में देखना, ये जंग लगी हुई है और यहाँ बिल्कुल साफ़ है। ये दोनों चीज़ आप नोटिस करना। जब तक हमारा एलएमबी टूट गया है कोई दिक्कत नहीं है, जब तक हमारे एलएमबी पे जंग नहीं लगेगा तब तक चलता रहेगा। इस एलएमबी पे यहाँ जंग नहीं है तो ये एलएमबी चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही इसमें पानी गया, जंग लगा, यहाँ रोडों पे जंग लगा, एलएमबी हमारा ख़राब है, ख़राब एलएमबी हो गया। अब हमें कचरे में फेंकने की नौबत आ चुकी है और अब हमें नया एलएमबी लगाना होता है। लेकिन दोस्तों ख़राब एलएमबी को आप कचरे में मत फेंको, इसे आप सही कर सकते हैं। अब सही करेंगे कैसे, अगर इसके अंदर हम पेचकस डालेंगे तो ये पेचकस से रगड़ नहीं खाएगा, और अगर इसमें रेजमाल लगाएंगे तो रेजमाल जाएगा नहीं। लेकिन इसे कैसे साफ़ करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ मैं साफ़ करने के लिए ये जो एक ऐसे चिमटी भी बोल सकते हैं और ये और भी कुछ बोल सकते हैं, ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे डिवाइस है और ये एल टाइप में है। अब यहाँ अगर हम सीधा कोई पेचकस वगैरह लगाएंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने पूरा सेट परचेज किया है, ज़्यादा महंगा नहीं आता, 250-300 रुपए का सेट आता है। सेट मैंने परचेज किया, इसमें 5 चिमटी निकलती है। इस चिमटी में दोस्तों आप चाहो तो रेजमाल का टुकड़ा भी आप लगा सकते हैं, रेजमाल का टुकड़ा आप यहाँ पर लगा लो, और रेजमाल का टुकड़ा लगा के आप इस चिमटी को आप ऐसे ऐसे रगड़ लो। अगर आप रेजमाल का टुकड़ा भी नहीं लगाते हो तो इस चिमटी से आप ऐसे रगड़ लो, तो आपका ये जंग लगा हुआ ये जंग साफ़ हो जाएगा। हमारा जो नो सिग्नल पिक्चर कटिंग होती है, जैसे ही हमारे एलएमबी पे जंग लगा तो यहाँ जंग लगते ही हमारा जो सिग्नल होता है प्रॉपर काम नहीं करता। तो अगर हमारे पास ऐसी चिमटी लेंगे, पूरा सेट लेंगे, तो इसको हम ऐसे रगड़ लेंगे तो हमारा ये जंग है बिल्कुल साफ हो जाएगा। अब आप कहोगे सीधा तो आपने रगड़ लिया, लेकिन साइडों को हम कैसे रगड़ें। जी हाँ दोस्तों, सही कहा। ये यहाँ मैंने देख लीजिए पूरा सेट लिया है, और पूरा सेट के लिए मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, अलग अलग जो इसमें टूल्स निकलते हैं ये सारे टूल्स मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए 5 टूल्स मैंने निकले, 5 टूल्स का सेट होता है। ये देखिए चिमटी, अब इस चिमटी में दोस्तों जो अंदर का जंग लगा रोड है, तो यहाँ पर चाहे हो तो आप रेजमाल चिपका लो, अगर आपको रेजमाल नहीं चिपकाना है तो आप इसे तिरछा करके ऐसे रगड़ लो। ये देखिए तिरछा करके मैं रगड़ रहा हूँ, तो ये साइडों का जंग साफ हो जाएगा। अब इधर की साइड का ये ऐसे हो जाएगा, अब ऊपर की साइड का आप इससे थोड़ा सा ऐसे कर लो तो ऊपर की साइड का साफ हो जाएगा। यानी दोस्तों ये जो चिमटी का सेट है, आपका एलएमबी पे जंग लगता है, जंग लगते ही आपका एलएमबी ख़राब है, लेकिन इस चिमटी से दोस्तों हम हमारा एलएमबी का जंग साफ कर सकते हैं। ये देखिए जंग पूरा साफ कर लेंगे, और यहाँ जंग साफ करते ही दोस्तों हमारा एलएमबी है इस तरह से नया एलएमबी बन जाएगा। ये देखिए इस एलएमबी को मैंने यहाँ साफ किया है, इसको रेजमाल का टुकड़ा लगा के ऐसे बिल्कुल साफ कर दिया है, क्लीन हो चुका है। और फिर इसमें दोस्तों आप थोड़ा सा के
यहाँ पे एक रुई का वो लगा के थोड़ा सा हार्पिक लगा लो, हार्पिक लगा के थोड़ा सा आप फेर दो इस चिमटी से, पूरा फेर दोगे तो आपका पूरा जंग साफ हो जाएगा। तो ये चिमटी का सेट दोस्तों मैंने 250 रुपये का परचेज कर लिया है, और इस चिमटी के सेट से ही दोस्तों यहाँ पूरा अनबॉक्सिंग आप देख लीजिए, इसमें 5 सेट निकलते हैं, 11, 12, 13, 14 और ये 15। इसमें साइज होती है 11 से स्टार्ट है, 12, 13, 14 और ये 15 नंबर का चिमटी है। इस चिमटी से दोस्तों कभी भी आपका एलएमबी ख़राब नहीं होगा। ख़राब एलएमबी से दोस्तों आपको ख़राब एलएमबी होता है तो इससे आप सही कर सकते हैं, आपका एलएमबी जंग लगते ही ख़राब होता है। तो ये दोस्तों मैंने चिमटी का वीडियो बनाया है और जंग साफ़ करने का जो तरीका है वो मैंने आपको बताया है। तो इससे दोस्तों आपके एलएमबी को सही कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट की जानकारी आपको मिले। अगर दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ पूछना, कुछ आपके सवाल हैं तो मुझे कमेंट करना, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा।